होटल ड्राइविंग 24 में चल रही शिव महापुराण कथा में व्यास महंत राधेश्याम व्यास ने सृष्टि रचना में ज्योति स्तंभ स्थापना का प्रसंग सुनाकर शिव भक्ति से सभी को सराबोर कर दिया। उन्होंने बताया कि सृष्टि निर्माण में दुनिया में सबसे पहले काशी नगर की उत्पत्ति हुई। कथा व्यास ने कहा कि अंधकार में वातावरण में सबसे पहले शिव और शिवा प्रकट हुए। शिव पुरुष और शिवा शक्ति रूप में थी। इन्होंने सृष्टि निर्माण के लिए विष्णु को जन्म दिया। जब विष्णु ने जन्म का कारण पूछा तब शिव ने उन्हें तपस्या के लिए भेज दिया। विष्णु की महान तपस्या में उनके शरीर से उत्पन्न पसीने से सभी में जल ही जल हो गया। इस पर विष्णु लेट गए, तभी उनकी नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। शिव ने अपनी भौं के बाल से एक व्यक्ति को जन्म देकर ब्रह्मा का सिर काटने का आदेश दिया। उसने ब्रह्मा का पांचवां सिर काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा में ज्ञान ही ज्ञान रह गया और वो शांत हो गए। उनका सिर काटने वाले ही काल भैरव बने। शिव ने ब्रह्मा को कभी पूजा न होने और केत पुष्प को झूठ बोलने के कारण कभी भी शिवलिंग पर न चढ़ाने का शाप दिया। बाद में इन दोनों ने माफी मांगी और पुष्पराज से कहा, जहां तुम गिरोगे वहीं ब्रह्मा का मंदिर बनेगा। आज उसी स्थान को पुष्कर कहते हैं, जहां एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। उन्होंने बताया कि सृष्टि में सबसे पहले काशी नगरी की स्थापना हुई और काल भैरव उसके प्रथम द्वारपाल बने। अंत में आरती के बाद भंडारा आरंभ किया गया। व्यवस्था में प्रदीप शुक्ला, मनोज चौधरी, राहुल देव शर्मा सहित होटल परिवार शामिल रहा। और अपनी शक्ति से जल में तपस्या व्रत लेते हुए विष्णु के पेट की नाभि से, नाभि तो जानते हैं ना, उस पेट की नाभि से कमल की डंडी, कमल की नाल प्रकट की। और विष्णु की नाभि से जैसे ही कमल की नाल प्रकट हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अचानक कमल की नाल में से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। और जैसे ही कमल का फूल प्रकट हुआ, उस कमल के फूल में से एक दिव्य महादेव देव स्वरूप एक महापुरुष और प्रकट दूसरा हो गया। इस कमल के फूल में बैठा हुआ यह दूसरा, इस लोकी की सृष्टि का दूसरा देव महापुरुष भगवान विष्णु से बिल्कुल अलग था। विष्णु जी के काले बाल थे, दाढ़ी नहीं थी, घुंघराले बाल लिए थे, चार हाथ में संत चक्र का पद्म लिए थे, मगरीय जो नाभि में से कमल नाल प्रकट होकर जो कमल के फूल में से दूसरा दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ, यह विष्णु से बिल्कुल अलग था। इसका शरीर वृद्ध शरीर था, बूढ़ा शरीर था, सफेद बाल थे, सफेद दाढ़ी थी, इसके पांच मुख थे। ये जो कमल के फूल में से दिव्य दूसरा महापुरुष प्रकट हुआ, इसके कितने सिर थे? पांच। चार दिशाओं में चार सिर और एक सिर ऊपर की ओर था। चार हाथ थे, सफेद वस्त्र पहने थे, सफेद दाढ़ी बाल थी, कमल के फूल में प्रकट हुए ये दूसरे दिव्य महापुरुष ने हाथ जोड़ के सदा शिव और शिवा को प्रणाम किया। आशीर्वाद लेने के पश्चात कमल के फूल में बैठे दूसरे दिव्य महापुरुष ने सदा शिव से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे प्रकट किया है तो मेरा नामकरण संस्कार करो ना। सदा शिव ने कहा, तुम पूरे ब्रह्म के शक्ति रूप में सृष्टि के रचियता की शक्ति को प्राप्त करोगे, इसलिए मुझ ब्रह्म की शक्ति तुम्हारे पास होगी। तू नीचे लेटा हुआ है, तेरे पेट की नाभि में से एक कमल की डंडी निकली है, नाल निकली है, कमल के फूल पर मैं बैठा हूं, मैं ऊपर हूं, तू नीचे है, मैं बैठा हूं, तू लेटा हुआ है, तू जवान है, मैं बुढ़ा हूं, पर मेरे पांचवें मुख की बुद्धि में शंका पैदा हो गई।